भारतीय रेलवे द्वारा लगातार वंदे भारत के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथ ही रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर कोच और मेट्रो ट्रेन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद देवसकर ने गुरुवार को कहा कि रेलवे जल्द ही वंदे भारत स्लीपर कोच और वंदे भारत मेट्रो लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शांतनु रॉय ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसी वित्तीय वर्ष के भीतर पहले प्रोटोटाइप के साथ एक विश्व स्तरीय बेजोड़ यात्रा अनुभव लेकर आएंगे। BEML इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई और रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का काम कर रही है। इस महीने की शुरुआत में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर कॉन्सेप्ट ट्रेन वंदे भारत स्लीपर संस्करण की तस्वीरें साझा की थी। प्रत्येक वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने के लिए डिजाइन किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे जिनमें 887 यात्रियों की क्षमता होगी। स्लीपर ट्रेन को आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। इसका डिजाइन मॉडर्न है और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन ट्रेनों में सफर किसी होटल की तरह लग्जरी होगा। कॉन्सेप्ट स्लीपर कोच में अधिक आरामदायक सीटों के साथ क्लासिक लकड़ी का डिजाइन है। कोचों में फ्लोर लाइटनिंग की व्यवस्था और बेहतर रोशनी का इंतजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल खबरीलाल।